हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन तो चल रही हैं हमारी मैथ बूस्टर क्लासेस कंसेप्ट बूस्टर क्लासेस भी हैं और इसमें आपके हम कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को लेकर के तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला हमारा क्वेश्चन जो है हम ले रहे हैं इक्वेशन चैप्टर से कह रहा है इफ़ ए बी अ मल्टीपल रूट ऑफ द ऑर्डर थ्री ओके मतलब ए जो है मल्टीपल रूट है मतलब जो हमारे पास इक्वेशन यहां पर दिया गया है वो इक्वेशन क्या है इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वेर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो हमारे पास इक्वेशन है तो हम ये मान करके चलते हैं दोस्तों कि इसके जो है हमारे मल्टीपल रूट है हम ए है ओके दिया है इफ ए इसका मल्टीपल रूट है इसको नंबर वन दे दीजिए सो लेट ए वी इट्स मल्टीपल रूट मल्टीपल रूट ओके सो so, आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी अपॉन ए तो बी की जगह यहाँ खुद माइनस बैठा है तो माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए की जगह कौन है वन है यहाँ पे तो अल्फ़ा भी ए है बीटा भी ए है गामा भी ए है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री ऑफ ए इक्वल्स टू बी तो एक रिलेशन तो हमारे पास काम की आ चुकी है देन अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सी अपॉन ए तो यहाँ पे ए इंटू ए ए इंटू ए ए इंटू ए तो ये क्या हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए इस क्वेश्चन में सी की जगह सी ही बैठा है ए की जगह वन बैठा है मतलब थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए एक रिलेशन हमारे पास ये काम का बन चुका है एंड फाइनली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जिसको आप ए क्यूब लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन ए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का डी तीन रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं और हमें करना क्या है हमें यहाँ से ए बी और सी में रिलेशनशिप निकालनी है ठीक है ना? यहां से हमें बी और सी में रिलेशनशिप यहाँ पे निकालनी है ठीक है तो आप देखिए यदि मैं यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर इसमें थ्री ए स्क्वायर में, में यदि मैं इसको डिवाइड कर देता हूं ए क्यूब में मतलब चांस ले रहा हूँ मैं ए क्यूब में अगर मैं थ्री ए स्क्वायर को डिवाइड कर दूँ तो देखिए ए क्यूब मेरे पास कितना है यहाँ पे ए क्यूब मेरे पास है माइनस का डी और थ्री ए स्क्वायर मेरे पास कितना है सी है तो मेरे पास कितना बच जाएगा मेरे पास बच जाएगा ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री डी बाई सी ओके ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री डी बाई सी आ रहा है मेरे पास में ओके थ्री ए स्क्वायर तो a इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया माइनस थ्री डी बाई सी तो डी बाई सी की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस थ्री डी बाई सी तो यहाँ पे आ चुका है तो ऑप्शन में देखिए ए की वैल्यू माइनस एट डी बाई थ्री सी है एट डी बाई थ्री सी है ये रिपीट हो गया ऑप्शन और यहाँ पे माइनस एट डी बाई थ्री सी है तो कोई नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर ए की वैल्यू जो आ रही है माइनस थ्री डी बाई सी यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का है कैसे सॉल्व करते हैं देखिए इसको इसमें क्वेश्चन में दिया गया टेन थीटा इन टू टेन टू थीटा इक्वल्स टू वन तो आपको बताना है कि इसका थीटा का सोल्यूशन कौन सा होगा काफ़ी छोटा दिया है मैं पढ़ देता हूँ एन पाई प्लस फाइव बाई सिक्स एन पाई माइनस फाइव बाई सिक्स टू एन पाई प्लस माइनस फाइव बाई सिक्स एन नन ऑफ दीज ओके तो देखिए क्या कंडीशन दी गई है कंडीशन गिवन है टेन थीटा इन टू टेन टू थीटा इक्वल्स टू वन सो मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए टेन थीटा और टेन टू थीटा को मैं से लिख दूंगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर से इधर पे आ जाएगा ओके okay? सो so ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ गया ट्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन सो दिस बिकम थ्री टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन ऑफ टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स ये है सो थीटा इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स इज द आंसर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा तो एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस दोनों आएगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है ये और जब स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास जनरल सोल्यूशन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा यूज़ होता है ओके okay. ओके okay, एवरेवन अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर कॉन्सिकटिव नंबर इन ए पी इज ट्वेंटी एट मतलब चार नंबर है जिनका सम हमको ट्वेंटी एट दे दिया गया है तो हमने चार नंबर मान लिए तो पहला नंबर मान लिया ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी याद रखिए जब भी आप ये चार नंबर मानते हैं इवन में तो इवन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है टू डी होता है तो आपके पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा टू डी रहेगा इस व्यवस्था में आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना है टू डी है ओके okay? सो so, अब आइए देखते हैं सभी को ऐड कर दीजिए तो ऐड करने पर सम कितना है फॉर ट्वेंटी एट तो ऐड करने पर सम ट्वेंटी एट किया तो ए इक्वल टू कितना आ गया सेवन क्योंकि डी के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे अब देखिए इनके सम्स का जो स्क्वायर का जो सम दिया गया है स्क्वायर का सम कितना? तो कितना है टू हंड्रेड सिक्सटीन तो पहला नंबर कितना है ए माइनस थ्री डी सो सेवन माइनस थ्री डी का स्क्वायर प्लस सेवन माइनस डी का स्क्वायर प्लस सेवन प्लस डी का स्क्वायर प्लस सेवन प्लस थ्री डी का स्क्वायर इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन अब देखिए इसमें ए माइनस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी इसमें ए प्लस बी के स्क्वायर तो मिडिल टर्म तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे बट ए स्क्वायर ए स्क्वायर इसमें भी निकलेगा तो फोर्टी नाइन चार बार आ गया और बाद में क्या आएगा नाइन डी 9d नाइन डी दो बार और डी स्क्वायर डी स्क्वायर दो बार ओके इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन तो सॉल्व हो आ गया वन नाइनटी सिक्स प्लस ट्वेंटी डी स्क्वायर इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन सो टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस वन ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी आ गया ट्वेंटी वन ज ट्वेंटी डी इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस वन तो डी इक्वल टू प्लस माइनस वन आया मगर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है टू डी है तो कॉमन डिफरेंस टू डी आ गया मतलब कॉमन डिफरेंस टू आ गया आप कह रहे हैं कि हर दो नंबर्स के बीच में कितने का अंतर होगा कितना डिफरेंस होगा भाई डिफरेंस तो वही होता, होता है ना जो कॉमन डिफरेंस होता है तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है टू तो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू टू